तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। और हमारे साथ दीपेंद्र अधिकारी जी है, काफी टाइम से वेट कर रहे थे बैच, अगले आज उनको बैच मिल गया। तो दीपेंद्र जी, चलिए हम डिस्कस करते हैं एडवांस एक्सेल फॉर वीवीए माइक्रो प्रोग्राम, एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। और हम सबसे पहले बात करेंगे आज सिलेक्शन मेथड के ऊपर, कि हाउ कैन सिलेक्ट द डेटा, कि हम डेटा को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन हमारी पहली क्लास में कवर इसलिए हो रही है क्योंकि हम कुछ भी करने से पहले हम डेटा को सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सेल क्या है, एक्सेल कैसे काम करते हैं वगैरह वगैरह, ये बेसिक चीज बताने की जरूरत तो नहीं है, राइट सर? फंडामेंटल तो पता ही होगा आपको, चलो वर्कबुक होता है, फाइल होता है। दीपेंद्र जी कुछ पूछ रहे थे? दीपेंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं मुझसे आप? नहीं नहीं सर, मैंने कहा वो आ गया, पता है सर उसमें। तो सिलेक्शन डेटा का, सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका डेटा है तो आप उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो सिलेक्ट करने का एक और सबसे अच्छा साधन है कि आप इस पे कर्सर रखें और कंट्रोल ए यूज करें। कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, आपका डेटा सिलेक्शन हो जाएगा। आप कहीं से भी कंट्रोल ए करें तो आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कंट्रोल ए सिर्फ एक बार कीजिएगा, दो बार नहीं मत कीजिएगा। दो बार करेंगे तो पूरी शीट आपको सिलेक्ट हो जाएगी, सिर्फ कंट्रोल ए एक बार करना है। तो कंट्रोल ए किस फीचर को ट्रिगर करता है? होम मेनू बार में ही आपके साथ गो टू स्पेशल में करेंट रीजन होता है, इस करेंट रीजन को फॉलो करता है। इसका मतलब होता है जो यूज डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेना। इसकी दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम है कि अगर आपने कोई पूरी की रो ब्लैंक कर दी है तो इस केस में सिर्फ आपका ऊपर का डेटा ही सिलेक्ट होगा, नीचे वाला डेटा सिलेक्ट नहीं होगा कंट्रोल ए से। प्रॉब्लम है जैसे यहाँ पे कुछ फालतू डेटा आपने रखा हुआ है इस तरह से, तो फिर ये फालतू डेटा भी आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहां से हम दूसरा तरीका है कि मैं इसको मूवमेंट भी कर सकता हूं यहां से, इस तरह से कर्सर मूव करना सीख लें कैसे करते हैं। तो दूसरे प्रॉब्लम की जो सोल्यूशन है वो आपको दे रहा हूं कि आप कर्सर को कंट्रोल के साथ राइट डाउन अप लेफ्ट इस तरह से मूव कर सकते हो, सीधे लास्ट में जाएगा, सीरीज लास्ट सीरीज में जाएगा। जैसे कि यहाँ पे किया सबसे लास्ट में यहाँ पे आएगा, बशर्ते बीच में कोई ब्लैंक ना हो। बीच में ब्लैंक होगा तो वहीं पर रुक जाएगा, जहां पे सीरीज ब्रेक होता है फिल का सीरीज या ब्लैंक का सीरीज वहीं पे जाके कर्सर आपका रुकेगा। तो अगर आप शिफ्ट कंट्रोल के साथ शिफ्ट को यूज करें, कंट्रोल शिफ्ट मैंने राइट एरो एंड डाउन एरो प्रेस कर लिया तो मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल के साथ, कंट्रोल शिफ्ट साथ राइट एरो एंड डाउन एरो तो मेरा डेटा सिलेक्शन हो गया। तो दूसरी सोल्यूशन है कि मान लीजिए अगर बीच में ब्लैंक हुआ तो फिर आपको दो बार करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे और इस तरह से तीन बार करना पड़ेगा तो जाकर सिलेक्शन होगी। लेकिन उसका एक और सोल्यूशन है कि आप स्टार्टिंग में पकड़े, स्टार्टिंग में क्लिक करें और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक कर दें, ठीक है सर? स्टार्टिंग में क्लिक करें और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में क्लिक कर दें, आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। चाहे इसके बीच में कितने भी ब्लैंक या कुछ भी क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इंटरनेट सेलफोन से है क्या सर? इंटरनेट आपने सेलफोन से रखा है क्या?
नहीं नहीं कनेक्ट मैंने, हाँ सर हाँ वही है, फोन पे कोई मैसेज या कोई व्हाट्सएप या कोई कॉल आएगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर, अच्छा, समझिए समझिए समझिए। समझिए ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े सर। हेलो, आगे बढ़े सर, हाँ सर आवाज आ रही है सर। आगे बढ़े। हाँ सर, तो सिलेक्शन में मैं बोल रहा था आपको, सत्यव्रता जी आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। हेलो, हेलो दीपेंद्र जी, दीपेंद्र जी लॉग आउट हो गए लग रहा है। तो यहां पे मैं बात कर रहा था कि अगर आपके डेटा में बिल्कुल ब्लैंक है, रिकॉर्ड। हाँ डेटा में बिल्कुल आपके पास ब्लैंक है, तो क्या करेंगे उस केस में? हम एक आ गया करेंगे सर। कि सबसे ऊपर सबसे लास्ट स्टार्टिंग में सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट में सिलेक्ट कर दें। तो सबसे स्टार्टिंग में सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट को सिलेक्ट करेंगे तो आपका डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, बीच में चाहे जो भी प्रॉब्लम हो उससे मतलब नहीं है। तो माउस से इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद अब बात आती है मल्टी सेल सिलेक्ट करने की। कभी कभी क्या होता है हमें कि हमें कंटिन्यूअसली एक एक सेल को सिलेक्ट करना होता है, तो उस केस में हम इसको सिलेक्ट करते हैं कंट्रोल के साथ, इसको सिलेक्ट कर लिए, इसको कर लिए, इसको कर लिए, इस तरह से हम मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर आपको सिलेक्शन में जिस फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई करना है, कॉपी नहीं करना है, तो आप जैसे मर्जी उसे सिलेक्ट करके अपनी फॉर्मेटिंग या जो भी अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। लेकिन आपको कॉपी करना है तो ध्यान रखिए, जैसे आपके ऊपर तीन सिलेक्ट किया तो सेम इसी के नीचे आपको कंट्रोल से तीन सिलेक्ट करना है, तभी तो आपका डेटा कॉपी होगा। आपने गलती से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे चार चाहे, आपने यहाँ सिलेक्शन कर लिया, तो आप रो को सिलेक्ट कर रहे हैं तो या कॉलम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा कि कंटिन्यूस होना चाहिए, चाहे जितना मर्जी सिलेक्ट करें उसे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऊपर आपने तीन किया है तो हर रो में तीन कॉलम ही सिलेक्ट होना चाहिए, फिर डेटा कॉपी करेंगे। तो डेटा आपका अलग अलग से होगा, लेकिन जब कॉपी होगा एक जगह पे पेस्ट करेंगे तो एक कंटिन्यूस ही कॉपी पेस्ट होगा। उसी तरह से यहाँ पे मैंने सिलेक्शन कर लिया और मैंने यहाँ पे इसको इसको सिलेक्शन कर ली और फिर आपको मैंने यहाँ सिलेक्शन कर लिया, मैं इसको कॉपी कर, देखिए यहाँ पे दिक्कत हो गई, कॉपी नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर में वन सिलेक्शन नहीं किया है। कॉपी कर सकता हूँ उसको आसानी से। तो मल्टी सेल सेलेक्ट करते हैं, नाम आप रखेंगे, ठीक है? अभी तो दीपेंद्र जी, तो डाउट इसमें? हेलो, हाँ कोई सर। डाउट इसमें? नहीं 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 सर, नहीं सर। इस तरह से जब आपके पास मल्टी शीट हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं और मल्टी शीट सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, ओके
तो आप मैं चाहता हूँ हर सीट पे हम कॉपी करें डेटा को। मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि हर सीट के A1 पे डेट लिखना, हर सीट के A1 पे, तो मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ सबसे लास्ट वाले सीट पे सिलेक्ट करूंगा, तो हमारा सारा सीट सिलेक्ट हो जाएगा और ऊपर यहाँ देखेंगे ग्रुप आप लिखा हुआ। मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि हर एक सीट पे हमारा ये हो रहा है सर, ठीक है सर। लेकिन मुझे टाइम डालना है, लेकिन मैं टाइम को सिलेक्टेड सीट पे डालना चाहता हूँ, तो मैं शिफ्ट को अच्छा सर, फिर मैं सेलेक्ट करूंगा इसको कंट्रोल से, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, तो कंट्रोल से क्या हुआ कि सिर्फ 3 सीट सिलेक्ट हुए हैं। अब मैं यहाँ पे टाइम डालूंगा तो टाइम हमारे 3 सीट 1 सीट 3 और सीट 5 पे सिलेक्ट होगा, क्योंकि हमने कंट्रोल से यही पे सिलेक्शन किया था, ठीक है सर।